नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पानी को जो भी छूता है वो पत्थर बन जाता है। ऐसी झील है जिसमें जाने वाला पत्थर का बन जाता है। क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जिसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर बन जाता है। अगर आप भी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बता रहे हैं। यह है उत्तरी तंजानिया की निट्रॉन लेक। फोटोग्राफर निक ब्रांडेड जब उत्तरी तंजानिया की निट्रॉन लेक की तट रेखा पर पहुंचे तो वहां के दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। झील के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टेचू नजर आए। वे स्टेचू असली मृत पक्षियों के थे। दरअसल झील के पानी में जाने वाले जानवर और पशु पक्षी कुछ ही देर में कैल्सिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। ब्रांडेड अपनी नई फोटो बुक अक्रॉस द रेवेंज लैंड में लिखते हैं कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि ये कैसे मरे, पर लगता है कि लेक की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें दिग्भ्रमित किया। फलस्वरूप वे सब पानी में गिर गए। वो आगे लिखते हैं कि पानी में नमक और सोडा की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि इसने मेरी कोडक फिल्म बॉक्स की स्याही को कुछ ही सेकंड में जमा दिया। पानी में सोडा और नमक की ज्यादा मात्रा इन पक्षियों की मृत शरीर को सुरक्षित रखती है। इन पक्षियों के फोटो का संकलन ब्रांड ने अपनी नई किताब अक्रॉस द रेवेंज लैंड में किया है। यह किताब उस फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट्स का तीसरा वॉल्यूम है जिसे निक ने पूर्वी अफ्रीका में जानवरों के गायब होने पर लिखा है। पानी में अल्कालाइन का स्तर पीएच 9 से पीएच 10.5 है, यानी अमोनिया जितना अल्कालाइन है। लेक का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वह तत्व भी पाया गया जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी ममियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। वो अपनी किताब में आगे लिखते हैं, सारे प्राणी कैल्सिफिकेशन के कारण चट्टान की तरह मजबूत हो चुके थे, इसीलिए बेहतर फोटो लेने के लिए हम उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते थे। इसलिए फोटो लेने के लिए हमने उन्हें वैसी ही अवस्था में पेड़ों और चट्टानों पर रख दिया।